कल्याण रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शा स्टैंड की सुविधा दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया हिट एंड रन का काला कानून रद्द किया जाए और उत्तर शिव भंडारली की आरक्षित जमीन पर म्हाड़ा ने किया हुआ अवैध अतिक्रमण कब्जे के खिलाफ गुरुवार के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दत्त गायसमुद्र ने तीनों सरकारी विभाग के अधिकारियों को निवेदन दिया है। पार्टी के निवेदन में मांग की गई है कि कुछ सालों से कल्याण रेलवे स्टेशन पश्चिम के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर बस स्टैंड के सामने रिक्शा स्टैंड था, जिसे रेलवे प्रशासन ने रेलवे विकास के नाम पर हटा दिया है, जिसके चलते इस स्टैंड पर रिक्शा खड़ी कर यात्रियों की सेवा करने वाले रिक्शा चालक मालक का परिवार भुखमरी की अवस्था में आ गया है। इस विषय को मुद्दा बनाकर नरसिंह गायसमुद्र ने रेलवे प्रशासन स्टेशन मास्टर राम मणि को एक निवेदन दिया है। पार्टी के इस निवेदन के उत्तर में रेलवे अधिकारी ने कहा कि इस विषय में मुंबई रेलवे विभाग PRO विभाग को सूचित किया जाए। लोकल स्तर के सारे फैसले मुंबई PRO द्वारा लिए जाते हैं। इस विषय में हमारे प्रतिनिधि ने डॉक्टर BRP पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतिक्रिया ली है। मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह दत्त गायसमुद्रे। आज आपण या ठिकाणी बघत आहे, आम्ही रेल्वे प्रशासनाला जी रेल्वेचे जी मॅनेजर आहेत, रेल्वेचे मॅनेजरला आम्ही पत्र देऊन रिक्षा स्टँड जो 1 नंबर रिक्षा स्टँड आहे तो बाहेर काढलेला आहे, तो तात्काळ आतमध्ये घ्यावं अशा पद्धतीची रिक्षावाल्यांची मागणी आहे आणि त्यामुळे पत्र दिलं। तशाच प्रकारे मोटर वाहन ॲक्ट कायदा जो आता पारित केला, काळा कायदा जो शासनाने केंद्र शासनाने तो तात्काळ रद्द करावं अशा पद्धतीची आमची मागणी, ते निवेदन आम्ही माननीय तहसीलदार साहेबांना दिलेलं आहे। और जो फेंसिंग लगा थी जो आपसे पहले जो बीच में बंद जड़ी, कितना जड़ी हो गया इसको बंद करके? जी ब्रिज का काम चालू हो गया मेरे ख्याल से 5 साल का हो गया, 5 साल हो गया। तो अभी क्या है कि जब तक है ना ये ब्रिज का काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कुछ। अच्छा, यही बात है कि जब पॉसिबिलिटी है ना, जब ब्रिज का काम कंप्लीट हो जाएगा ये एरिया पूरा फ्री होगा, तो जरूर आप ये लेटर है ना DRO कुछ दे के रखिए, तो वहाँ से अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ लोग लेना चाहेंगे या इंस्पेक्शन करना चाहेंगे तो हम इस चीज़ के बारे में उनको गाइडलाइन देंगे कि हाँ इतना पोजिशन अपन परमिट कर सकते हैं। तो लेन की लेन कहाँ वो कभी लेटेस्ट वो साइड का तो रिक्शा स्टैंड प्रॉपर हो गया है दोनों साइड। अब रही बात ये कि यहाँ पर है जो शायद आने वाले टाइम में थोड़ा कुछ चेंजेज होने वाला है मेल एक्सप्रेस का, तो इसलिए लेकिन अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो चेंज होगा तो हो सकता है कि उस टाइम पे आपको उनको भी थोड़ी सी इस बारे में कुछ सहूलियत मिले, बहुत अच्छी बात है। तो आप है ना संबंधित भाग लीजिए, हमारे तरफ से मेरा मैसेज जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। 75 से रिक्शा स्टैंड है और उन्होंने क्या किया, बाहर निकाल दिया रिक्शे वाले को, वहाँ पर गाड़ी लगाने को जगह नहीं है। और तकलीफ देते पूरा ट्रैफिक वाले देते, उल्टा सीधा फोटो मारते, बहुत हार्डजीट करते, DB वाले आते रिक्शे वाले को मारते, गाड़ी लगाने को जगह नहीं तो क्या करेंगे। वहाँ 3 लाइन अभी भी बैठ सकती है रिक्शे की, कम से कम 50 से 60 गाड़ी अंदर लग सकता है, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर टाकी बना दिया जबकि वो कुछ मतलब नहीं था। हमारी ये है कि विनती है कि वो अंदर लेवे और पेट भरने का व्यवस्था है कि नहीं। नाना गायसमुद्रे रिक्शा टैक्सी चालक मालक संघटना कल्याण महाराष्ट्र प्रदेश संघटना अध्यक्ष आणि आमचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय नरसिंह दत्त गायसमुद्रे साहेब, आम्ही सर्व मिळून पदाधिकारी मिळून आज जे कल्याण रेल्वे स्टेशनमध्ये जे प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वर रिक्षा स्टँड होतं ते 1975 पासून होतं आणि ते आता 10 ते 6 वर्षाच्या अंतर्गत ते बाहेर काढण्यात आलेलं आहे। म्हणून रिक्षा चालक जे आहेत ते खूप चळवळीत झालेले आहेत, इकडं तिकडं रिक्षा लावायला काहीच जागा नाही, म्हणून कल्याण जे 1975 रिक्षा स्टँड होतं ते वापस प्रशासनानं आतमध्ये घ्यावं आणि कल्याण रिक्षा चालकांना सहकार्य करावं त्यासाठी आम्ही CST CRO पण पत्र देणार आहोत, कारण की आम्हाला इथले स्टेशन प्रबंधकांनी सांगितलं की आपण CST मुख्य कार्यालयाला एक पत्र द्या, तेही आम्ही देण्यासाठी जाणार आहोत आणि सर्व रिक्षा चालकांना न्याय मिळवून देणारच आहोत। इसके बाद ये शिष्टमंडल उत्तर शिव भंडारली म्हाड़ा कॉलोनी के मुद्दे को लेकर कल्याण पंचायत समिति के कार्यालय तक पहुंचा और यहां के BDO को एक निवेदन दिया गया है। इस निवेदन में गायसमुद्र ने मांग की है कि नागांव ग्राम पंचायत की सीमा में
गोटेघर, भंडारली, रजिया मार्केट, उत्तर शिव की आरक्षित जमीन पर माड़ा कॉलोनी ने अवैध कब्जा करके ऊंची ऊंची इमारत खड़ी की है, जिसे निष्कासित करके ग्रामीण वासियों को ये भूखंड लौटाया जाए, ऐसी मांग गाय समुद्र ने की है। असा होता, तीसरा विषय आमचा असा होता कि बीडीओ जी म्हाडाच्या जी जमिनी आहेत, जे शिलफाटा, भंडारली, उत्तरशिव, गोटेघर ह्या ठिकाणच्या ज्या म्हाडाच्या जी जमीन आहे ती जी मुख्य गावचे जी गावकरी आहेत त्यांना न देता इतर बाहेरचे कल्याण, डोंबिवली, आपलं मुंबई, कल्याण अशा बाहेरच्या लोकांना देऊन त्या स्थानिकावर अन्याय अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तसंच त्या ठिकाणी गोटेघर आहे, त्या ठिकाणी रजिया मार्केट आहे, त्या घर ठिकाणी उत्तरशिव भंडारली आहे, अशा प्रकारचे सर्वे नंबर 80, 81 आणि 157/1 अशा पद्धतीच्या सर्वे नंबरमध्ये ज्या म्हाडानी जमिनी बनवल्या ती राखीव भूखंड, सरकारी जो राखीव भूखंड आहे ती शाळेसाठी राखीव आहे, आणि त्या राखीव भूखंडावर ही जी बिल्डिंगी बनल्या, ती म्हाडाने जी बिल्डिंग बनवल्या राखीव भूखंडावर बनवल्या, ती तात्काळ तोडण्यात याव्या अशा पद्धतीची माझी मागणी आहे। दुसरी माझी मागणी अशी आहे की ज्या ठिकाणी ज्या लोक जवळजवळ बेघर लोक 3,500 ते 4,000 लोक बेघर केलेत, त्या लोकांना म्हाडाच्या अंतर्गत तात्काळ ते घरामध्ये त्यांना घरं देण्यात यावे आणि त्यांच्यावर जो होणारा अत्याचार आहे ती तात्काळ थांबवा, अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे। एवढंच बोलून माझे दोन शब्द संपवतो। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय भीम। ठीक इसी तरह केंद्र सरकार के हिट एंड रन काला कानून को रद्द करने की मांग को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष की ओर से नरसिंह गाय समुद्र ने कल्याण के तहसीलदार जयराज देशमुख को एक निवेदन देकर सभी वाहन चालकों को न्याय देने की मांग की है। इस मुद्दे पर उपरोक्त पार्टी के अधिवक्ता गौतम वाहुल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय परिवर्तन पक्ष तसेच असंघटित सेवाभावी कामगार संस्था अध्यक्ष माननीय नरसिंहजी गायसमुद्री साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये आज माननीय तहसीलदार साहेब कल्याण यांना केंद्र शासनाने जो मोटार वाहन कायदा नवीन पारित केलेला आहे त्याच्यामध्ये चालकांवर अन्याय होत आहे, तो कायदा त्वरित रद्द करावा यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाला आम्ही तहसीलदार साहेबांमार्फत निवेदन दिलेलं आहे, आणि आमची अशी इच्छा आहे की केंद्र शासन तो कायदा रद्द करेल आणि चालकांवर होणारा अन्याय दूर करेल। तीनों सरकारी कार्यालय में निवेदन देते समय पार्टी के सर्वेसर्वा नरसिंह गाय समुद्रे के अलावा नाना गाय समुद्रे, शांताराम भीवसेने, शमशेर खान, रिक्शा यूनियन के कल्याण तालुका अध्यक्ष बरकत अली अंसारी, जयपाल कांबळे, नदीम मजीद इत्यादि उपस्थित थे।